ममिता बेर हत्या घटनारे मिला गुरुत्वपूर्ण तथ्य। गोविंद साहू ममिता को हत्या करिबा परे टायर पाई फोन करिथिला विवेक अग्रवाल नामक व्यक्ति को। टायर पाई फोन करिथिला गोविंद जा बर्तमान समय ब्रेकिंग न्यूज अर्थात बड़ खबर आसी पहुंचुची। ममिता बेर हत्या घटनारे जे ममिता को मारिबा पई अर्थात ममिता को हत्या करिबा परे टायर पाई फोन करिथिला विवेक अग्रवाल नामक व्यक्ति को जहां खबर आसुची। गोविंद साहू जे की हत्या करिथिला जे की मुख्य अभियुक्त ममिता को जे हत्या करथिला सीए फोन करिथिला टायर पई जे रहिछि विवेक अग्रवाल नामक जने व्यक्ति को। अधिक आलोचना करिबा बलांगे प्रतिनिधि तरुण साहू आम सहित जोड़े चंती। तरुण नुआ कथा सामना को आसुची जे विवेक अग्रवाल किए एवं ताकु काहे के टायर पई फोन करा जाइथिला किछि अपडेट देबा को चाहिबे बाबत रे। देखु निवेदिता गत आठ तारीख में ममिता मेहर को हत्या करिबा परे गोविंद साहू निजे मारी पड़ा एवं ताकु पोतिथिबा नै पुलिस निकट में पूर्व बयान रखिथिला किंतु सेतेबेले जो जेसीबी ड्राइवर को उठाइथिला एवं तार जो व्यक्तिगत ड्राइवर रामचंदी को मध्य पुलिस उठाई तदंत करिथिला किंतु ठीक सही समय पुलिस तदंत प्रक्रिया किसी कांश से बाधा प्राप्त होता किंतु आज सब बड़ खबर जहां सूचना आसुचे ममिता मेहर को हत्या कर सारे पर गोविंद मेहर गोविंद साहू सही आठ तारीख बारटा तीस मिनिट समय गोविंद विवेक अग्रवाल नामक जन व्यक्ति को फोन करते जे टायर बिकती दुईट टायर नहीं सूचना मिलूँ और से टायर साहय ममिता मेहर को हत्या कर सारा पोती गातर और पोड़े जहां सूचना आसूँ और विवेक अग्रवाल नामक व्यक्ति शहे एकसठ बयान आधार यही तथ्य आसूँ निवेदिता तेबे जानिबा को चाहेबु तरुण जे टायर रो कोन आवश्यकता पड़ीथिला एवं स्पेसिफिक केउं समय रो केउं समय भितरे गोविंद साहू फोन करथिला विवेक अग्रवाल को। देखु निवेदिता जेते बेले ममिता मेहर को हत्या कर सारा पर पूर्व जेहेतु खोला जाइथिला गात एवं से गात रे जेते बेले कार्डबोर्ड पका जाइथिला एवं सब को कम समय भितरे पड़िया पई टायर रो सहाय्य नैथिला गोविंद साहू एवं से टायर को सी तार ड्राइवर हाथ में ही विवेक अग्रवाल ठारू आनिबा को फोन करिथिला सही आठ तारीख बारटा तीस मिनिट समय जहाँ विवेक अग्रवाल वर्तमान बयान दौंती ठारू ही गोविंद साहू टायर नहीं टायर पर गोविंद साहू निजे मोबाइल रु बारटा तीस फोन करिथिला सूचना मिलूची एवं जेहेतु गात खोल जाइला गात में प्रथम टायर पका जाइला तार पर कार्डबोर्ड पका जाइला और किरोसिन पेट्रोल ढाड़ी जला जाइला फल संपूर्ण बॉडी नष्ट होतापर जा पर जेसीबी साहय पुणी से ही गात को पोती अभियुक्त गोविंद साहू जहाँ गातर ममिता मेहर अंशविशेष बाहर पर सुना बाहरी और किसी मोबाइल पोड़ जा खबर प्रकाश पाई तो टायर जो जिते जाड़ापी आवश्यक पड़ता ठीक से बेले से ही तारीख आठ तारीख में ही गोविंद साहू विवेक अग्रवाल नामक जन व्यक्ति टायर पर फोन करते से टायर देते जहाँ गोविंद साहू ड्राइवर दुईट टायर नहीं आज सूचना निवेदिता। ओके तबे तरुण आउ गोटे कथा जे जो विवेक अग्रवाल जो व्यक्ति ना सामना को आसुची दुईटा टावर टायर किनी गोविंद साहू मुख्य अभियुक्त तबे केमती पुलिस विवेक अग्रवाल निकट रे पहुंचला एवं ए तथ्य पुलिस को किए देला जदि गोविंद साहू रो मोबाइल रु किछि तथ्य सामना को आसुची केवल विवेक अग्रवाल को गोविंद साहू फोन करथिला टायर टायर पई ना आउ काकु मध्य जोगाजो करथिला। देखु निवेदिता प्रथम दिन रु ही पुलिस तदंत प्रक्रिया को नहीं साधारण लोक विरोधी दल अभियोग उठाते जो दिन ड्राइवर गोविंद अभियुक्त गोविंद साहू सीन रिक्रिएशन नाला से जेसीबी व्यवहूत होता जेसीबी ड्राइवर को पचरा उचरा कार्डबोर्ड से जो टायर कथा कहती टायर अंश विशेष था कहीं मटी तले ही कला रंगर जो मटी कोला जाता तो पुलिस प्रथम दिन रु सन्देह करने कथा और जो संदिग्ध अभियुक्त मान रही उठेकी पुलिस तदंत करवा कथा थाना को आणिकी पचरा उचरा करवा कथा किंतु तदंतर एते दिन पर जेतेबेले गोटे पर गोटे एविडेंस तथ्य प्रमाण पुलिस नष्ट करुछि ठीक से ही समय जो टायर देखा नहीं बयान दौर बयान आधार नहीं पचरा उचरा करिपारे पुलिस किंतु पूर्वरु आहुरी अनेक पूर्वरु आशंका करा जाउथला जे गोविंद साहू एकाकी ममिता बेन को हत्या करिछि गोविंद साहू को हत्या करिवार जो साहू एकोटिया ना ताकु के सहयोग करथिले काई ना राधे को मध्य पुलिस नै छि तबे तरुण आ गोटे कथा जे ये जो व्यक्ति को ना सामना को आसी वर्तमान समय रे विवेक अग्रवाल जांको थारो दुईटी टावर के टायर किनीथिला गोविंद साहू जे प्रकृत रे केवल टायर दबारे से सहयोग करथिला ना ममिता को हत्या पछरे भी ये सहयोग करिछि।
ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ 8 ତାରିଖରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ଟାୟାର ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଏ ହତ୍ୟାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ହିସାବରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପୋତିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶବ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲା, ବ୍ୟାରେକରୁ ଫେରାର ମାରିଲା, ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଧରା ହେଲା, ଏବଂ ଧରା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେହି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଶବ ପୋତା ଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ତରୁଣ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ନୂଆ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଟାୟାର କିଣିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଟାୟାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ କେବଳ ଟାୟାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ନା ମମିତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତରୁଣ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଏହି ବଡ଼ ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।